You must write an algorithm that runs in O of n time and time complexity and without using a division operation. And यहाँ पे अगर आप scroll करोगे तो यहाँ पे लिखा है कि follow up, can you solve the problem in O of one extra space complexity? The output array does not count as extra space uh, for the space complexity analysis. Okay. तो देखते हैं हम ये problem को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे पहले हम समझना चाहते हैं कि problem का मीनिंग क्या है। Okay, तो वो देखते हैं नोट पैड ओपन करूंगी यस yes. ओके okay. तो प्रॉब्लम ऐसा है कि हमें ऐसा एक एरे बनाना है जहाँ पे वो एलिमेंट वो एरे पे वो इंडेक्स पे जो एलिमेंट है उसका जो ये होगा वैल्यू होगी वो होगी सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स इन द एरे एक्सेप्ट दैट एलिमेंट जैसे कि अभी समझिए मेरे पास ये एक आंसर एरे है यहाँ पे ये एलिमेंट अभी जहां ये इंट जीरो इंडेक्स हो गया राइट तो अभी जीरो इंडेक्स पे ये वैल्यू ये होगी जो बाकी के एलिमेंट्स का प्रोडक्ट होगी तो टू थ्री और फोर तो टू इंटू थ्री इज सिक्स सिक्स इंटू फोर इज ट्वेंटी फोर तो ये हो गया ट्वेंटी फोर अब आप यहाँ पे आओगे तो प्रोडक्ट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स एक्सेप्ट दैट एलिमेंट मतलब बाकी सब एलिमेंट्स इसको छोड़ के तो ये हो गया वन वन इंटू थ्री थ्री हो गया थ्री इंटू फोर इज टू हो गया और राइट में कितने एलिमेंट है फोर है तो फोर इंटू टू एट तो ये एट हो गया और जब भी हम फोर पे आ जाते हैं तो थ्री इंटू टू इंटू वन थ्री इंटू टू इज सिक्स सिक्स इंटू वन वन सिक्स इंटू वन इज सिक्स सॉरी तो सिक्स तो ये हो गया हमारा आंसर तो हमें ऐसे एक एरे कंस्ट्रक्ट करना है बेस्ड ऑन मेरा नमस का एरे तो अब ये क्वेश्चन आई होप समझ में आ गया हो आपको अब देखते हैं हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे अभी सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो मुझे लगेगा एक मेरा आंसर का एरे तो मैं मेरे आंसर के एरे बना लूंगी और उसको वन से इनिशियलाइज करूंगी तो 1 1 1 1 सेम लेंथ का एरे होगा ओके okay? सेकेंड थे अब मैं जो करने वाली हूँ मैं एक फॉर लूप लगाने वाली हूँ जाने वाली हूँ लेफ्ट से राइट right. जब मैं लेफ्ट से राइट right जाऊंगी मैं मेरे आंसर के एलिमेंट को अपडेट करूंगी बेस्ड ऑन मेरे प्रीवियस एलिमेंट्स क्या है इसका मतलब सबसे पहले तो आ, मैं स्टार्ट करूंगी मेरे फर्स्ट एलिमेंट से नॉट जीरो एलिमेंट तो यहाँ ये जीरो एलिमेंट है वन टू थ्री मैं चालू करूंगी यहाँ से यहाँ से मैंने चालू किया ये एलिमेंट की वैल्यू क्या होगी ये एलिमेंट की वैल्यू होगी मेरे आंसर का प्रीवियस एलिमेंट इन मेरा नम्स का वो इंडेक्स का प्रीवियस एलिमेंट इसका मतलब ये और ये एलिमेंट तो वन इन टू वन इज वन ये रहेगा मूविंग ऑन okay, मैं यहाँ पे आ गई अब सेम चीज करेंगे नम्स का प्रीवियस एलिमेंट हो गया टू और आंसर का प्रीवियस एलिमेंट हो गया वन वन इंट टू टू ये अपडेट हो जाएगा टू से मूव ऑन मैं यहाँ पे हूँ अब मेरा प्रीवियस एलिमेंट नम्स का कितना है 3. तो 3 into, मेरा आंसर का एलिमेंट क्या है टू थ्री इन टू टू सिक्स तो ये अपडेट हो जाएगा सिक्स से ये मेरा हो गया लेफ्ट से राइट ठीक है जैसे मेरा लेफ्ट से राइट right का ट्रैवल्स हो जाएगा अब मुझे क्या करना है अब मुझे राइट right से लेफ्ट का भी ट्रेवल्स करना पड़ेगा क्योंकि मुझे कैस, कैसा प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है बाकी सब एलिमेंट्स का अपार्ट फ्रॉम दैट एक्सेप्ट दैट पर्टिकुलर एलिमेंट तो इसके लिए मैं एक बनाऊंगी वेरिएबल जो जिसका नाम मैं रखूंगी फॉर एग्जाम्पल राइट प्रोडक्ट मेरा राइट right प्रोडक्ट पहले इनिशियलाइज होगा one से अब मैं क्या करूंगी मैं मेरे एरे में आंसर एरे के राइट right से स्टार्ट करूंगी ट्रेवल्स करना तो अब मैं यहाँ पे आ गई अब मैं करूंगी मेरे आंसर और राइट right प्रोडक्ट को मल्टीप्लाई तो सिक्स इंटू वन हो गया सिक्स ओके okay. अब नेक्स्ट मुझे क्या करना है मेरा राइट प्रोडक्ट अपडेट करना है मेरा राइट right प्रोडक्ट क्या होगा मेरा राइट प्रोडक्ट इनटू वो इंडेक्स पे मेरे नम्स में कौन सा एलिमेंट है तो हो गया फोर तो ये मैं हटा देती हूँ पहले ओके okay. तो हो गया फोर तो वन इन फोर इज फोर तो राइट right प्रोडक्ट हो जाएगा फोर ओके मूविंग ऑन मैं यहाँ पे आ गई अब मैं करूंगी आंसर और राइट प्रोडक्ट का मल्टीप्लाई सबसे पहले तो फोर इंटू इज एट तो मेरा ये हो जाएगा एट कूल cool. अब मुझे करना है अपडेट मेरा राइट right प्रोडक्ट मेरा राइट right प्रोडक्ट क्या होगा जो भी राइट right प्रोडक्ट है वो इनटू मेरे नम्स पे वो इंडेक्स पे कौन सा एलिमेंट है तो वो इंडेक्स पे मेरा एलिमेंट है थ्री तो थ्री इंटू फोर ट्वेल्व हो गया तो ये हो गया ट्वेल्व कूल मूविंग ऑन मैं यहाँ पे आ गई अब मैं करूंगी मेरे आंसर को मेरे राइट right प्रोडक्ट से मल्टीप्लाई तो वन इंटू इज ट्वेल्व तो मेरा ये हो जाएगा ट्वेल्व अब मैं करूंगी मेरे राइट right प्रोडक्ट को अपडेट प्रोडक्ट right क्या है मेरा right product into वो आ, वो पे पे मेरे में कौन सा है है तो ठीक अब मैं आ गई यहाँ पे सॉरी yeah. अब मैं आ गई यहाँ पे यह था ट्वेंटी फोर अब मैं करूंगी मेरा आंसर क्या है uh, मेरा वो एलिमेंट इंटू राइट प्रोडक्ट राइट प्रोडक्ट तो ये one से हो जाएगा वन इंटू ट्वेंटी फोर कितना ट्वेंटी फोर तो ये हो जाएगा ट्वेंटी फोर अब मेरा right product फिर से होगा. मेरा right product क्या राइट प्रोडक्ट इंटू मेरा जो भी nums है ट्वेंटी फोर इंटू वन इज ट्वेंटी फोर तो ये एक्चुअली जस्ट ट्वेंटी फोर ही रहेगा जैसे ही हम हमारे एरे के एंड पे आएंगे राइट right से लेफ्ट तब हमें तब हमें हमारा आंसर मिल जाएगा अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे यही हमारा सोल्यूशन है ओके। okay? तो देखते हैं इसको हम कोड में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं ओके, okay, तो मैं जाऊंगी मेरे कोड में, okay. सबसे पहले मुझे चाहिए था मेरा आंसर एरे तो मैं मेरे आंसर एरे को बनाऊंगी वन से इनिशियलाइज करूंगी और उसकी लेंथ होगी सेम मेरे नम्स की लेंथ तो ये हो गया एक्चुअली मैं इसको एक वेरिएबल में डाल देती हूँ क्योंकि मैं इसको वापस वापस, वापस यूज करने वाली हूँ Okay, तो मेरा एन is ये ठीक है तो ये हो जाएगा एन अब मैं जाऊंगी फॉर आई आई इन रेंज मैं चालू करने वाली हूँ फर्स्ट एलिमेंट से जीरो से नहीं तो ये याद रखना है आपको और जाना कब तक है उसके लास्ट एलिमेंट तक तो एन तक मैं करूंगी आंसर को मेरे अपडेट तो मेरा आंसर ऑफ आई क्या हो जाएगा मेरा आंसर ऑफ आई हो जाएगा आंसर ऑफ आई माइनस वन जो मेरा प्रीवियस एलिमेंट था वो और मेरा नम्स का भी प्रीवियस एलिमेंट तो नम्स का प्रीवियस एलिमेंट ये होने के बाद सबसे पहले तो मुझे करना है मेरा राइट प्रोडक्ट डिफाइन तो मेरा राइट right प्रोडक्ट पहले मैं इनिशियलाइज करूंगी वन से और फिर मैं फॉर लूप लगाऊंगी फिर से राइट right से लेफ्ट जाने के लिए तो फॉर आई इन रेंज फ्रॉम n 1 आ, मुझे -1 तक जाना है इसका मतलब है जीरो इंडेक्स जाना है वो एक्सक्लूडेड रहता है और कितना मुझे माइनस वन से डिक्रीमेंट करना है अब इस सिनेरियो में सबसे पहले मैं मेरे आंसर ऑफ इसमेंट को अपडेट करूंगी मैं क्या कर रही थी वो एलिमेंट को राइट right प्रोडक्ट से मल्टीप्लाई कर रही थी तो आंसर ऑफ आई इज आंसर ऑफ आई इन राइट प्रोडक्ट बाद में मुझे राइट right प्रोडक्ट अपडेट करना है तो मेरा हो गया राइट प्रोडक्ट राइट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा राइट प्रोडक्ट इज खुद को किससे मल्टीप्लाई करना नम्स ऑफ आई से तो नम्स ऑफ आई में मल्टीप्लाई करना है सॉरी <coughs> और लास्ट में मैं कर दूंगी रिटर्न रिटर्न क्या करना है मुझे मेरा आंसर का array. तो देखते हैं अब ये रन करके लेट्स सबमिट यस तो आप देख रहे हैं कि ये एक्सेप्ट हो रहा है एटी फोर परसेंट सोल्यूशन को बीट कर रहा है तो अभी बात करते हैं स्पेस और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की अगर आप देखोगे यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी हो जाएगी ओ ऑफ एन क्यू क्योंकि हम एवरी एलिमेंट के थ्रू एक बार जा रहे हैं यहाँ पे दो फॉर लूप्स है तो ये जा रहा है हर एक बार हर एक एलिमेंट के थ्रू तो इसलिए मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई ओ ऑफ एन अब स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करेंगे तो अगर आप देखने जाओगे तो यहाँ पे मैंने स्पेस के लिए एक कॉन्स्टेंट वेरिएबल यूज किया है एन जो लेंथ स्टोर कर रहा है और एक राइट right प्रोडक्ट यूज किया है और यहाँ पे एक मैंने आंसर करके यूज किया है जो मेरा एरे है उसकी लेंथ मेरी नम्स की लेंथ होगी ऐसे देखने गए तो मेरी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे क्या हो गई ओ ऑफ एन हो गई लेकिन अगर आप क्वेश्चन अच्छे से पढ़ोगे तो यहाँ पे जो मैंने आपको पहले फॉलोअप दिखाया था ये फॉलो अप की आउटपुट एरे डज नॉट काउंट एज एन एक्स्ट्रा स्पेस फॉर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस अगर आप ये कंडीशन माइंड में रखते हो तो इसका मतलब क्या हुआ ये वाला जो आंसर एरे है इसको हम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में कंसिडर नहीं करने बोल रहा है हमें वो क्वेश्चन तो इसका मतलब हो गया हमारा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो गई ओ ऑफ एन जो है कॉन्स्टेंट बट जब भी आप इंटरव्यू में हो और आपको इंटरव्यूअर इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी पूछ रहा है तो आपको देख के समझना चाहिए कि हमारा आंसर ओ ऑफ एन कॉम्प्लेक्सिटी का है क्योंकि वो एन एलिमेंट स्टोर कर रहा है तो इसकी रियल कॉम्प्लेक्सिटी है ओ ऑफ एन बट क्योंकि क्वेश्चन बोल रहा है कि आप आंसर को इंक्लूड मत कीजिए स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में इसीलिए इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो गई ओ ऑफ वन तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझा हो एंड इसका सोल्यूशन uh, मेरे गिटअप पे है उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मैंशन कर दूंगी और आप मेरे साथ डिस्काउंट पे कनेक्ट कर सकते हैं इस वीडियो को प्लीज लाइक कीजिए और कॉमेंट कीजिए मुझे बहुत हेल्प करता है लेट मी नो अगर आपको ये सोल्यूशन अच्छा लगे और <clears throat> प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को तो आपको मेरे ऐसे वीडियोस देखने मिलेंगे थैंक यू सो मच हैप्पी हॉलीडेज एंड मेरी क्रिसमस